प्लीज। एक तो ये कि जब आप शादी होके आई थी तो यकीनन आपको भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा होगा ना। ऐसा तो नहीं हुआ होगा आते ही आपने सब कुछ बिल्कुल ससुराल वालों की मयार पे पूरा उतर के नहीं, किया हमने होगा। भी देखे बहुत सारी बातें सुन रहे ना, हम इतनी देर से आपकी सुन रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा टाइम दें। वो किसी के घर से रुख्सत होकर आपके घर आई हैं तो थोड़ा सा उनका ख्याल करें। दूसरी बात ये कि अगर वो अपने बच्चे को नहीं टोकती, उसकी तरबियत नहीं करती, तो माँ के लिए बहुत तकलीफदेह अमल होता है जब कोई कहता है तुम्हारा बच्चा बदतमीज है, तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है। फिर सास क्या कहती है, अगर वो अच्छा है तो वो सास कर, अगर वो बुरा है तो वो माँ कर। अगर बच्चा बदतमीजी करता है तो ब्लेम माँ पे ही आता है, माँ पे ही आएगा ना। देखिए हम इन्हें यही समझाते हैं कि अगर आपका बच्चे, आपके बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे तो आपको लोग ज्यादा कहेंगे ना, तो मैं आपको सुनने को मिलेगा ना। उनको तो टोक रही है वो, लेकिन फोकस से बच्चे पे हो रहा है। वैसे बच्चे की डांट भी तो बड़ी, बच्चों का क्या, कभी तो अपनी मियां को भी डांट देती है, उससे कोई बात नहीं, उनकी मोहब्बत है। आई एम श्योर आपके भी अपने हस्बैंड के साथ झगड़े हुए होंगे। हमारी कभी कोई आइडिया कपल नहीं है जो झगड़ता है, लाउड हो, हमने कभी ख्याल रखते हैं। मैं से ही सवाल कर रही हूं, बड़ी अच्छी बीवी है आप तो, लाउड नहीं है, कभी लाउड नहीं हुए। आपकी नेचर नहीं है, उनकी नेचर है। और अगर मियां भी लाउड होते हो, या मैं उन्हें कुछ कह दूं अपनी सांस में, अगर मियां बीवी के बीच में फिर ज्यादा इंटरफेरेंस होगी ना, वो मियां और इनका मामला है कि लाउड हो रहे हैं या लड़ रहे हैं या मोहब्बत है। मियां बीवी का तो रिश्ता ऐसा है, रिश्ता है, एक दफा लड़ेंगे उसके बाद फिर हाथ हाथ में हाथ डालेंगे। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब यही तो वजह है, करने शुरू किए हैं तो उसके बाद से अब हमारे बिना उनका मुंह बन जाता है। पहले नहीं होता था, पहले हमारी अच्छी दोस्ती वाला रिलेशनशिप था। मैंने उनको अगर डांट दिया समझो तो भी कोई ऐसा, बीवी कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। हो सकते हैं, हो सकते हैं, थे अच्छे दोस्त। आप रिलेशन में एक बात कर रही है ना कि इससे अच्छी कोई और होती, ये भी बड़ी तकलीफ दे बात है। आप बार बार उनको ये ताना, ऐसी ऐसी तकलीफ दे बात आएगी ना मेरे। अच्छा मुझे एक आइडिया आता है, जब भी सास ये बात बोले ना तो ये बहू के पास भी कुछ होना चाहिए, काश मैं फलानी जगह मंगनी कर लेती। लड़की ऐसी बात कभी नहीं कर सकती, उसकी तो और शामत है, उसका मियां से नाराज हो जाएगा इस बात पे। हम ब्रेक में एक्चुअली सोचते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जवाब क्या होना चाहिए। और अगर आपको पता है तो मुझे SMS करके भेजिए, मुझे मशवरे चाहिए। आपको हम मशवरे दे भी रहे लेकिन मशवरे लेना भी जरूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Hi guys, it's me, Mini Butt. And this is me, Ramsha Khan. And you are at the Airbud Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.